उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस और सपा का गठबंधन महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव पर निर्भर करेगा। अगर कांग्रेस इन दो राज्यों में समाजवादी पार्टी को सीट देती है तभी सपा यूपी विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस के किसी दावे पर विचार करेगी। इसके बाद से अटकलें शुरू हो गई हैं कि क्या यूपी में सपा कांग्रेस का गठबंधन टूट जाएगा। यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं लेकिन बाई इलेक्शन से पहले शिवपाल यादव के किस बयान ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा डाली है। आखिर अखिलेश के चाचा शिवपाल ने यूपी में इंडिया लाइंस के भविष्य पर ऐसा क्या कह दिया है जिसके बाद बीजेपी खेमे में भी हड़कंप मचा हुआ है। और सबसे बड़ा सवाल तो ये कि उस दावे का क्या हुआ जिसमें ये कहा जा रहा था कि अब अखिलेश यादव और राहुल गांधी की हिट जोड़ी दोबारा चुनावी मैदान में देखने को नहीं मिलेगी। लोकसभा चुनाव तो बीत गए लेकिन अब बारी है उत्तर प्रदेश में होने वाले 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की। बीते कुछ दिनों से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर मनमुटाव की खबरों ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया था। कहा जा रहा था कि उपचुनाव से पहले कांग्रेस के डिमांड ने सपा चीफ अखिलेश यादव को नाराज कर दिया है और इस वजह से इंडिया अलायंस में दरार आ सकती है। जानकारों का तो कहना था कि अगर यूपी में इंडिया अलायंस टूट जाता है तो इसका फायदा बीजेपी को हो सकता था लेकिन अब समाजवादी पार्टी के महासचिव और अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव ने इन तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया है। दरअसल शिवपाल यादव ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में इंडिया अलायंस और समाजवादी पार्टी एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शिवपाल यादव ने करहल सीट को लेकर कहा कि ये फैसला अखिलेश यादव करेंगे कि वहां से किसे चुनावी मैदान में उतारना है। बता दें कि यूपी में जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होना है उसमें करहल, मीरापुर, खैर, फूलपुर, मजवा, कुंद्रकी, गाजियाबाद, कटेहरी, मिल्केपुर और सीसामऊ सीट शामिल है। इनमें से 5 विधानसभा सीटें सपा कोटे की खाली हुई हैं तो 3 सीटें बीजेपी की रिक्त हुई हैं। इसके अलावा 1 सीट आरएलडी और 1 सीट निषाद पार्टी की है। आगामी उपचुनाव एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों के लिए काफी अहमियत रखता है। ऐसे में दोनों ही गठबंधन एक दूसरे की सीटों पर कब्जा करने की कोशिश में है लेकिन बीते कुछ दिनों से दावा किया जा रहा है कि उपचुनाव में कांग्रेस की नजरें सपा कोटे की सीटों पर जाकर अटक गई हैं। कांग्रेस की ओर से यूपी के 10 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव में लगातार दावेदारी की जा रही है लेकिन सपा अपने कोटे की इन अहम सीटों को कांग्रेस को देने में असहज महसूस कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक समाजवादी पार्टी यूपी में कांग्रेस को सीटें देने को लेकर एक अलग रणनीति पर भी काम कर रही है। समाजवादी पार्टी हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर भी नजर टिकाए बैठी है और इसके लिए उसे कांग्रेस की सख्त जरूरत पड़ेगी। अखिलेश यादव पहले ही पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने का दम भर चुके हैं। अब वो हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस से गठबंधन के तहत सीटों की उम्मीद कर रहे हैं लेकिन अगर यूपी में कांग्रेस को उचित भागीदारी चाहिए तो उसे इन दोनों राज्यों में समाजवादी पार्टी को भी हिस्सेदारी देनी होगी। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम और यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए न्यूज़ स्टेट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।